फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियन, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, प्लीज आप अभी वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसको सच में रैपिड स्ट्रक्चर सीखना है प्लीज आप आगे जाएंगे तो अभी आपको ही फायदा होगा, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आते हैं और एक सेकेंड के लिए क्लिक करते चले जाते हैं। कुछ मेरे भाई लोग थे जिन्होंने बोला सर 30 मिनट करिए, घंटा करिए। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत सही बोला और सच में एजुकेशन के लिए एक घंटा आधा घंटा लगता ही लगता है। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ टाइम करने स्किप करने के लिए आए कि जस्ट क्लिक किया चले गए, और ऐसे लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अभी चले जाओ, क्योंकि आपकी वजह से मैं बड़े वीडियोज नहीं बना पा रहा हूं। इसका मेन रीजन है कल का जो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन था, वीडियो आपने बहुत सपोर्ट किया, जिसने भी जिस लोगों ने सच में पढ़ना है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उसका जो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन है केवल और केवल 4 मिनट्स आया ब्रदर। और वो 4 मिनट्स ऐसा है कि वो डिस्टर्ब कर गया पूरे सीपीएम को, क्योंकि ये वीडियो है 12 मिनट की और अगर आप देख रहे हैं 4 मिनट तो बहुत ज्यादा खतरा होता है। सो प्लीज ऐसा मत करो, वीडियो को लास्ट तक देखो, और लास्ट तक देखने से उसका जो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन वो बढ़ जाता है। जैसे ही एवरेज वीडियो ड्यूरेशन बढ़ा, मैं और बड़े वीडियोस बनाने की जरूर सोचिए कोशिश करूंगा। इस बार तो मैंने वैसे फिर से ही 10 मिनट्स का ही रखा है वीडियो, और रिक्वेस्ट है कि आगे पूरा देखो, जिससे कि हम और बड़े बड़े वीडियोस तैयार कर सके। डेफिनेटली मजा आएगा बहुत ज्यादा, और कई लोगों को मैंने प्रॉमिस भी किया है कि रैबिट के जस्ट बाद हम आपके लिए स्टैट प्रो भी लाने वाले हैं, लेकिन उसका बस एक काम करना है आपको, आपको सपोर्ट करते रहना यार। सो प्लीज लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक को मत भूलिए, उन पे एक क्लिक अपने दोस्तों के साथ ऊपर एक लिख दीजिए कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, उनका भी करियर बन जाएगा प्लस हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें देने वाले हैं और देते रहेंगे। चलिए आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, आज के वीडियो में हम लोग ने देखा है कि अगर एक कल में हमने क्या किया था, एक आर्किटेक्चर मॉडल को उठाया और उसको इस पे लगाया, मतलब कि इम्पोर्ट किया, लिंक करना उसको बोलते हैं। बट अगर आपके पास आर्किटेक्चर मॉडल नहीं है या आपका प्रोजेक्ट छोटा है, तो उस टाइम पे आपको खुद की ग्रिड्स तैयार करनी पड़ती है और खुद के बीम्स और कॉलम्स तैयार करने पड़ते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताया हूं कि आपको खुद का कैसे बीम्स और कॉलम्स तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंग ग्रिड्स कैसे तैयार करनी है और फुटिंग भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉल और उसके बारे में डिस्कस करूंगा, एनफोर्समेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक एक करके हम लोग जाएंगे सब कुछ। मैं दोनों टाइप बताना चाहता हूं कि अगर आर्किटेक्चर मॉडल है तो कैसे करना है और नहीं है तो कैसे करना है, दोनों का कंपैरिजन, दोनों में स्टील कैलकुलेशन प्रॉपर देखेंगे, जिससे रैबिट स्ट्रक्चर में कुछ भी न बचे, इंटरव्यू में पूछा जाए और आप ना बता पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर आपको अपना खुद का एक होम बनाना है, मीन्स खुद का टेम्पलेट, खुद की ग्रिड्स, मीन्स आर्किटेक्चर टेम्पलेट को लिंक नहीं करना है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्किटेक्चर टेम्पलेट को लिंक करके उस पर किस तरीके से ग्रिड्स तैयार करेंगे, बट अगर आपके पास प्रोजेक्ट छोटा है तो आपको आर्किटेक्चर टेम्पलेट लिंक करने की ज़रूरत नहीं, और अगर प्रीकास्ट का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि वहाँ पर खुद का ब्लॉक ही बनाना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप किस तरीके से ग्रिड बनाओगे, ये हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस तरीके से स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक करेंगे। अगर आप यूनिट आपको नहीं पता है तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर UN, और हमने फिट एंड फ्रैक्शन इंचेस कर रखा है, इसके बाद कर दीजिए ओके। इसके बाद आप लेवल भी देख सकते हैं, आपका लेवल 2 लेवल है इसमें। इफ यू वांट टू क्रिएट मोर लेवल्स, इस तरीके से और भी लेवल्स आप तैयार कर सकते हो। इसकी हाइट को हमने सेट कर दिया 10 फीट, नमलॉक मेरा ऑफ था, 10 फीट। इसके बाद इसको भी हमने कर दिया 10 फीट, ओके। तो इस तरीके से हमने लेवल तैयार कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं या यहाँ से भी आप लेवल 1 पे जा सकते हैं, ओके। तो अगर आपको खुद का ग्रिड तैयार करना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे जाइए, और यहाँ पे आपके पास ग्रिड्स होती हैं, ग्रिड्स, और ग्रिड्स लेने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम हियर टू हियर, देखिए 1। फिर हमने कहा हमारा जो नेक्स्ट रूम है, वो हमारा नेक्स्ट रूम जो पड़ रहा है, वो पड़ रहा है लगभग 14 फीट पे सपोज,
फिर से हम गए यहाँ पे और हमने कहा नेक्स्ट हमारा जो बन रहा है वो है 12 फीट का, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट पे आप जाइए, अगेन दिस इज 13, अगेन 11, इतना बड़ा हमारा प्लॉट है। चलो अब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया है, ए। अगर आपको इसको सेट करना है तो इस पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं ए, और इसके बाद जैसे अगर और सेट करना है आपको, मीन्स और लेवल्स तैयार करने हैं यहाँ से यहाँ तक बी हो गया मान लो, यहाँ से यहाँ तक सी, डी, ई। ध्यान से देखना कोई भी लाइन आई मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग कि आपका पहला रूम कितने पे पड़ रहा है वो लिख लीजिए, दूसरा कितने पे पड़ रहा है उसको एडिट कर लीजिए, तीसरा मान लीजिए 13 की जगह 12 पे है तो इसको 12 फिट कर दीजिए इस तरीके से, मीन्स री एडिट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आपको। आपको जिसको री एडिट करना है एक बार री एडिट करके ग्रिड्स को प्रॉपर तैयार कर लीजिए। ग्रिड्स को प्रॉपर तैयार करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम, जस्ट आपको कॉलम पे क्लिक करना है, और कॉलम पे क्लिक करते ही आपके पास ढेर सारे टाइप्स के कॉलम्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर जनरली हम देखें तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो कॉलम है वो W सेक्शन स्टील का है, और यहाँ पे कुछ कंक्रीट के भी कॉलम्स हैं। तो अब देख लीजिए आपको कंक्रीट के कॉलम्स को क्या क्या साइज देना है, 12x18 देना है, 12x24, 24x30, ये तीन मेजर कॉलम्स हैं। इसमें से अगर सबसे छोटा प्रोजेक्ट तो आप इसको ले सकते हैं, और इसको भी एडिट कर सकते हो अगर आपको 12x18 की जगह कुछ और चाहिए तो यू कैन एडिट हियर, बट 12x18 अच्छा है। और ये कॉलम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग G+2 के लिए यूज़ कर सकते हैं, G+3 के लिए, तो मैं डायरेक्ट इसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम आपका यहाँ पे, एक कॉलम सपोज आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे भी कॉलम्स हैं और यहाँ पे कॉलम्स अगर आपको लगाने हैं तो आप फटाफट आप लगा दीजिए, हो सकता है आपके बीच में जो कॉलम्स हों वो चेंज हों, तो कॉलम चेंज हो गए तो वहां से जाके आप कॉलम चेंज कर लीजिए, अगर चेंज नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक लाइक दिस। मैं कॉलम ओरिएंटेशन भी आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से कॉलम को ओरिएंट करते हैं, मीन्स उनका डायरेक्शन किस तरीके से चेंज करते हैं, बट अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे होती है बीम्स, आपको बीम पे क्लिक करना है, और आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे W सेक्शन और उसके बाद कंक्रीट बीम है। तो हमने कंक्रीट बीम में मान लीजिए 12x24 का हमने लिया जिसका डेप्थ हमने 24 रखा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे 18 का रखना है क्योंकि इसके लिए 18 सफिशियंट है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पर डुप्लीकेट किया 12x18, अब 18 का मतलब होता है 1 फीट 6 इंचेस, तो 1.5 फीट, इंटर, और उसके बाद ओके कर दिया। बीम को यहाँ से लिया, यहाँ गए, फिर यहाँ से लिया बीम को, यहाँ गए, यहाँ से लिया, यहाँ आगे हम लोग इसमें रेनफोर्समेंट भी डालने वाले हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। रेनफोर्समेंट डालने के बाद रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर स्टील का भी कुछ मेंबर्स को हम लोग डिजाइन करेंगे, तो कंप्लीट मजा आने वाला है। बट आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए क्योंकि जब तक आप सपोर्ट करेंगे तभी तक मुझे भी एनर्जी आएगी कि चलो यार करते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लाइक कर देना है, और लाइक तो लगभग लगभग सभी किया करो यार, जो भी व्यूज़ देखते हैं, मतलब आपको यार आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है तो लाइक करो यार। देखिए अभी बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सब ने बोला था कि सर हम कोई हमको टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑफकोर्स जब कंप्लीट प्रोजेक्ट करोगे तो बड़ा होगा, और अभी तो मैंने पूरा थॉट वाला प्रोजेक्ट लिया नहीं क्योंकि और बहुत बड़ा हो जाता है, कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं एक एक प्रोजेक्ट पे।
इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बार बार बनाओ इसको, बट बहुत बड़ा मेंबर नहीं है तो मैंने कहा कि चलो कॉपी करने की क्या जरूरत, ऐसे ही कर देते हैं। अदरवाइज आप इसको एक को कॉपी करिए, फटाफट सब पे होता चला जाएगा। बस ये देखिए कोई भी मेंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए मैं क्रॉस चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा ये मेंबर आपका छूटा हुआ है। इसके बाद अगर आप इसको देखना चाहें तो अभी यार एक मेंबर बचा हुआ है, इसको भी लगा देते हैं। थ्री डी व्यू पर क्लिक करिए और इसको आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपके पास बीम और कॉलम्स बन चुके हैं। रियलिस्टिक में देखना चाहेंगे तो आपको रियलिस्टिक में भी आप इसको देख सकते हैं कि बीम्स और कॉलम्स यहाँ पे आपके पास तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर एनफोर्समेंट भी डालना होगा हम लोग को, वो सारी चीज़ें आगे की प्रोसीजर है, बट होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कि इसके अंदर आपको फुटिंग लगानी है, मीन्स इसके नीचे आपको फुटिंग लगानी है, आइसोलेटेड फुटिंग या वॉल फुटिंग, जो भी फुटिंग आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पे फुटिंग का साइज़ देख लीजिए कि आपको फुटिंग का साइज़ क्या रखना है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे फुटिंग का जो थिकनेस है 1 फीट 6 इंचेस है, हमने कहा फुटिंग का थिकनेस हम 1 फीट ही रखना चाहते, चलो 1 फीट 6 इंच तो ज़रूरी है इस बिल्डिंग के लिए, तो हमने रख दिया इसको। और विड्थ को हमने ज़्यादा नहीं रखा, विड्थ को हमने रखा इसके 3 फीट और लेंथ को रखा मान लीजिए 5 फीट। आप चाहे तो यहाँ पर डुप्लीकेट करके लिख दीजिए, अदरवाइज ये नेम है तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे फुटिंग को क्लिक कर सकते हैं, एक फुटिंग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एक मिनट चेक कर लेंगे क्रॉस चेक की क्या लग रहा है फुटिंग। हाँ ये देखिए इस तरीके से फुटिंग्स हम लगा सकते हैं। बाकी सब में कॉपी आप कर दीजिए, आपके लिए कॉपी भी बेहतर रहेगा, जिस तरीके से भी आपको करना हो यहाँ पे बस कॉपी करके लगा दीजिए, मतलब सबके ऊपर एक एक फुटिंग लगा देंगे। इसके बाद जो हम लोग सेक्शन देखेंगे, अभी मैं इसको फुटिंग एक एक करके हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो हमारे सेक्शन होंगे उसको उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट डालेंगे इसके अंदर, बीम्स के अंदर और कॉलम्स के अंदर। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मतलब अपने सामने वाले को लगता है कि नहीं यार और करते हैं और लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है। इस तरीके से आप सब पे कॉपी कर दीजिएगा और लग जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये मेंबर अगर ये फाइल आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम पे कल भी मैंने शेयर किया था जो कल वाला प्रोजेक्ट था, आज वाला ये वाला भी प्रोजेक्ट भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, तो आप देख लीजिएगा। अब इसको आप चाहे तो एक साथ सेलेक्ट करके कॉपी 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 करते जाइए, बनता चला जाएगा। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में अच्छी लगी हो तो इसको यार लाइक करके जाना, और उसके साथ कोई सजेशन है तो प्लीज नीचे सजेशन दो, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट और आपके सजेशन हो सकता है कुछ परफेक्शन मेरे अंदर भी आ जाए, तो प्लीज सजेशन देना। और ये मॉडल अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, वहां पे कल भी मैंने मॉडल शेयर किया था, आज भी मैं मॉडल शेयर करने वाला हूं, और वहां पे प्रॉपर मॉडल मैं शेयर करता रहूंगा, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस के मटेरियल भी आपको दे दूंगा, जिससे कि आप घर पे बैठ के जब फ्री टाइम रहे आपका तो आप प्रैक्टिस करते रहो उन सब प्रोजेक्ट्स की। तो नीचे आओ जल्दी से टेलीग्राम, यहाँ पे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे आओ और वहां पे आप कमेंट करना कि सर प्रोवाइड सम डाटा रिलेटेड टू प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली मैं वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दे दूंगा, जो प्रोजेक्ट्स आप देख के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।